In this video, I am going to share with you all the lifetime box office collection of Bollywood film Bazigar. दोस्तों बाजीगर जो रिलीज हुई थी 12 नवंबर 1993 को और ये एक बॉलीवुड क्राइम थ्रिलर फिल्म है जिसको 5 में से 4 स्टार की रेटिंग दी गई थी, यानी कि फिल्म को रेटिंग और रिव्यूज काफी अच्छे दिए गए थे। इसके डायरेक्टर है अब्बास मस्तान, इसके प्रोड्यूसर है गणेश जैन। बात करते हैं कास्ट की, इसमें शाहरुख खान, काजोल, शिल्पा शेट्टी, सिद्धार्थ रे, दिलीप ताहिल, राखी गुलजार और जॉनी लीवर लीड रोल में और सपोर्टिंग रोल में नजर आए थे। अब फिल्म जो है बाजीगर, ये शिल्पा शेट्टी की डेब्यूट फिल्म थी, लेकिन बता दें कि शिल्पा शेट्टी का जो एक्चुअल डेब्यूट होना था वो होना था फिल्म गाता रहे मेरा दिल के जरिए, बट अनफॉर्चुनेटली वो फिल्म कभी रिलीज ही नहीं हुई। अब इस फिल्म के 2 रीमेक्स और बन चुके हैं, एक आया था 1996 में तेलुगु में, एक आया था साल 2002 में कन्नड़ में। अब बता दें कि इसमें जो शाहरुख खान का रोल है वो पहले ऑफर किया गया था सलमान खान और अरमान कोहली को, लेकिन दोनों ने ये रोल करने से मना कर दिया था। इसके पीछे का रीजन ये था कि जो शाहरुख खान का जो रोल है फिल्म के अंदर वो एक नेगेटिव रोल था। अब ये रोल फिर जब उन दोनों ने मना कर दिया, ये रोल दिया गया शाहरुख खान को। शाहरुख खान ने ना ही सिर्फ ये रोल किया बल्कि उनको इस रोल के लिए बेस्ट विलन का अवार्ड भी दिया गया था। चलिए बात कर लेते हैं कलेक्शंस की। फिल्म का इंडिया का लाइफ टाइम जो नेट कलेक्शन था वो था 7 करोड़ 75 लाख रुपीस का, 7 करोड़ 75 लाख रुपए का। इंडिया का लाइफ टाइम जो ग्रॉस कलेक्शन था वो था 14 करोड़ का। इसका बजट था 3 करोड़ के आसपास का। अब 3 करोड़ के बजट के हिसाब से फिल्म का इंडिया का लाइफ टाइम जो नेट कलेक्शन था 7 करोड़ 75 लाख रुपीस का, उस हिसाब से अगर हम वर्डिट की बात करें यानी हिट और फ्लॉप की, तो आपको बता दें कि बाजीगर बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट साबित हुई थी, यानी कि फिल्म के जो ऑफिशियल वर्डिक्ट थी वो थी सुपर हिट की। और इसी कलेक्शन के साथ ये फिल्म 1993 की बॉलीवुड की 4th हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म साबित हुई थी। नंबर 1 पर थी आंखें, नंबर 2 पर थी खलनायक, नंबर 3 पर डर और नंबर 4 पर बाजीगर। अब जो फिल्म है बता दें इस फिल्म के एल्बम के अंदर टोटल 8 गाने थे और कुछ गाने सुपरहिट साबित हुए थे। गानों को कंपोज किया था अनु मलिक ने। अब फिल्म को टोटल 4 अवार्ड्स दिए गए थे, वो भी फिल्म फेयर अवार्ड्स में, जिसमें से एक अवार्ड मैंने पहले ही बताया बेस्ट विलन का जो मिला था शाहरुख खान को। अब फिल्म जो है इसमें जो काजोल और जो शिल्पा शेट्टी का जो रोल है, दोनों का बहनों का रोल था, सगी बहनों का और ट्विन सिस्टर का। अब क्या हुआ था, जो डायरेक्टर है उन्होंने सोचा क्यों ना ये रोल पहले जो है श्रीदेवी को दिया जाए, जो कि दोनों का रोल निभाएगी, काजोल का भी, शिल्पा शेट्टी का भी, ट्विन सिस्टर का रोल निभाएगी। लेकिन बाद में डायरेक्टर ने फिर सोचा कि जो श्रीदेवी जी है वो उस टाइम बहुत ज्यादा पॉपुलर होती थी। अब आप लोगों ने फिल्म में एक सीन देखा होगा जिसमें शाहरुख खान ने शिल्पा शेट्टी का मर्डर किया था। अब डायरेक्टर ने सोचा कि अगर हम श्रीदेवी का फिल्म के अंदर मर्डर दिखाएंगे, अगर मर्डर सीन दिखाएंगे तो उनकी पॉपुलैरिटी इतनी है कि वो ऑडियंस को कहीं ना कहीं अच्छा नहीं लगेगा। फिर डायरेक्टर ने श्रीदेवी को हटा के, यानी उनकी जो सोच है वो हटा के, फिर उन्होंने ये रोल दिया गया काजोल और शिल्पा शेट्टी को। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मैं हूं जतिन, आप सबका दोस्त और मेरे इस चैनल बॉलीवुड न्यूज का होस्ट। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप सभी बन जाइए मेरे दोस्त। अब आप सबसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।